सासू माँ सुबह से नजर नहीं आ रही है, कहीं गई हुई है क्या? मम्मी सरकारी दफ्तर गई है, सरकारी दफ्तर विधवा पेंशन का फॉर्म भरने के लिए। पर तुम्हारे पापा तो जिंदा हैं, अभी सुबह ही उनसे मेरी बात हुई है, फिर विधवा पेंशन? अरे यार सरकारी काम में देरी भी तो लगती है। कौन है ये? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? इसके पैसे आ गए? नहीं बॉस, गला काट दो इसका। हेलो, तीन जनों को जान से मरवाना है। नहीं, तीन जने नहीं मार पाऊंगा। क्यों? तीन जने तो यार एकदम लिपट जाएंगे। अरे अलग अलग मरवाना है। अच्छा तो हो जाएगा। कितने रुपए लेगा? 25 लाख रुपए। क्या बात, पहले दो अपने घर के काटेगा तू? अरे 25 लाख मैं उन्हें दे दूंगा, वो खुद जहर खा लेंगे। अच्छा वैसे जिन्हें तुम मरवाना चाहते हो ये तीनों है कौन? तीनों दोस्त हैं। नहीं दोस्त नहीं मारूंगा यार, दोस्त हैं तो खुशी है। अरे खुशी तो ही लेकर भाग गए। और बाकी के दो जने? उनके पास मेरे पैसे हैं। उधार तो देखो यार, सब दोस्त लेते हैं। दल्ले छीने उन्होंने यार, मैं छीने होंगे पैर पे गोली मार कर। दोस्त कहीं क्यों रहा है, ये तो जल्लाद है। इन सब बातों को देख के तुम्हें क्या लगता? इन सब बातों को देख के एक ही चीज क्लियर होती है। क्या? इसमें खुशी छिना ले। अरे अगर सही होती तो भागती क्यों यार किसी और के साथ? अरे भैया अभी तो एसी ठीक करिए, हो जाएगी कूलिंग। ये तो चाह रहा है कि एसी ऑन होते ही इनके ठंड से पैर कांपने लगे। हेलो भैया, हमारी एसी कूलिंग नहीं कर रही है। तो तुम्हारी एसी में हो गई यार गैस खत्म, इसमें 4000 रुपए की गैस पड़ेगी। क्या बात, पूरे जिले की एसी में डाल देगा? अरे यार 4000। अरे जय भी एक नंबर का काम करता है सर, सबसे बढ़िया गैस डालूंगा मैं। नहीं कितनी बढ़िया, तेरे खुद के पेड़ों की। तेरा दिमाग उमाग ठीक है? अजय हराम के पैसे ले रहा? अरे हराम के पैसे नहीं, गैस के पैसे ले रहा हूँ मैं। हाँ तो गैस हराम की होगी? हाँ कोई लेन देन वाली बात कर। तो कितने रुपए देगा? रुपए दूंगा 200। दो सौ रुपए भी क्यों देगा मुझे? तू एक काम कर, एसी के ऊपर बैठ कर पास दे, खुद भर जाएगी गैस। फिर तो खट्टी कूलिंग कराई। अरे मेरा भाई तू अपनी बीवी से मेरी बात करा दे। मैंने अपनी बीवी की बात नहीं मानी, वो मुझसे नाराज है। क्यों? कह रही थी आउटडोर का डिजाइन बढ़िया है, इसे कमरे में लगाए दो, एसी छत पर रख दो। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो। घर की इज्जत बेटियों के हाथ में होती है और प्रॉपर्टी के कागज नालायकों के हाथ में। सुनो यार, मैं सोच रही थी क्या आप अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? अगले जन्म में? हाँ यार अगले जन्म में ना मैं कॉकरोच या छिपकली बनूंगा। कॉकरोच छिपकली? हाँ यार। छी क्यों? सुकून मिलता है। क्योंकि यही वो दो चीजें हैं ना जिनसे तुम डरती हो, बाकी तो किसी के बाप से नहीं डरती तुम। फिर देखो मैं अपनी भड़ास निकालू। भड़ास खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अरे बढ़िया बारिश है। हाँ कहाँ चल रही है यार? बाहर पानी बरस रहा हुआ है, नहाए जाए। नहलवाए का बारिश में आगा कपड़े भीग गए तो घुटना तोड़ दिए। जल्दी जाके अंदर चल दे, चलो अंदर। नहलवाए मैंने बारिश में, फिर आ गए। मानोगे नहीं, मारा ही खान वालों काम कर रहे हो। अरे अब तो कपड़ों नहीं पहने हैं, देखो बनियान लोवर पहने हैं। ये कपड़े नहीं धोन पड़ा था, ये कपड़े आप धुला दो। चल दिए भिगाने लाड साहब। अब की आ गए ना तो हमसे बोला कोई नहीं होगा। फिर आ गए, मानोगे नहीं तुम। तुम हाँ चुप, अब तो दिक्कत, अब तो कपड़ों नहीं पहने हैं यार, अब तो जा सकता है।